नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने शनिवार 1 जुलाई को शासन की मंशा के अनुरूप सावन में आने वाले कांवड़ियों को उच्च स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक किया। बता दें कि सूबे की योगी सरकार सावन के मद्देनजर धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में आने वाले कांवड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए संकल्पित है। बताते चलें कि श्रावण मास की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और DGP विजय कुमार ने वाराणसी, विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक करके कांवड़ियों एवं बाबा के भक्तों को उच्च स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया है। आज की बैठक में प्रमुख सचिव गृह ने कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे की सड़कों पर सघन पेट्रोलिंग कराए जाने पर बल दिया और उपस्थित अधिकारियों को ताकीद किया कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही सोनभद्र से अधिक संख्या में आने वाली खनन गाड़ियों को नियंत्रित करने का निर्देश दिया, जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के DGP विजय कुमार ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि CCTV के लाइव फीड लेने का नेटवर्क बनाए, साथ ही CCTV के माध्यम से रूट का जायजा लेते रहें। कहा कि प्रयागराज से बनारस तक NS2 के एक रूट को पूरी तरह कांवड़ियों के लिए बंद रखें। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक एडवाइजरी पहले से जारी कर दें, जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने मंडल की तैयारियों के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सफाई के अतिरिक्त पुराने काशी में फ्री प्लास्टिक जोन, एंटीविनम, एंटी रेबिस टीकों की उपलब्धता एवं कांवड़ियों के संबंध में अन्य सभी आवश्यक प्रबंधन किए गए हैं। साथ ही कांवड़ियों के जिस रूट पर विद्युत के तार नीचे हैं, वहां विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी यश राजलिंगम ने वाराणसी की तैयारियों के संबंध में बताया कि पुलिस के साथ मिलकर पूरे रूट का रिहर्सल कर लिया गया है। कहीं पर भी खंभों में करंट न उतरे, इसके लिए जगह जगह ट्रांसफार्मर को ढकने की व्यवस्था की गई है। समीक्षा बैठक में चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर के जिलाधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने जिलों में की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। आने वाले समय में आने वाले हैं, उनको उन पर उनकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए और यहाँ पे वाराणसी, मिर्ज़ापुर और आजमगढ़ रेंज के अधिकारियों से वार्ता करने के लिए आए थे। अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं VC के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि कांवड़ के लिए बहुत उच्च कोटि की तैयारियां की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए हर वर्ष की भांति, जिससे कि कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो। तो मुझे बहुत संतोष है ये बताते हुए आपको कि अधिकारियों से चर्चा के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उनका अच्छे से अनुपालन हुआ है यहाँ इन तीनों रेंज में। और चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड ये हो, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो, या हमारे कांवड़ियों के लिए जो चिकित्सा शिविर बनाने की बात हो, सड़कों से गड्ढा मुक्त करने की बात हो, सभी प्रकार के जो निर्देश हैं, जो कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में और एक सुरक्षित माहौल में जिस तरह से कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जा सके, उसके लिए हमारे सभी अधिकारी पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। PM साहब के आगमन को लेकर के अभी हमारे पास औपचारिक रूप से जब कार्यक्रम आ जाएगा तब आपसे बात करेंगे। प्रमुख सचिव गृह एवं DGP ने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा भोले का विधिवत दर्शन पूजन किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।